गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है GNDU इवन सेमेस्टर एग्जाम्स के रिजल्ट को लेकर कि अभी अभी एक और क्लास का रिजल्ट पब्लिश हुआ है GNDU की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलो जल्दी से हम आपको चेक करके बताते हैं कि कौन सी क्लास का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में जाके गूगल में जाके सर्च करना है GNDU रिजल्ट। जैसे आप सर्च करोगे तो जो फर्स्ट सेट आपकी स्क्रीन पर ओपन होगी जहाँ रिजल्ट लिखा है वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर ऐसा पेज खुल जाएगा, तो आपने थोड़ा सा नीचे जाना, स्क्रॉल करना है, रिजल्ट वाली सेक्शन में जाके सेमेस्टर सिस्टम न्यू जाने का वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट वाले पेज पे पहुँच जाओगे। तो सबसे पहले आपने ईयर पे क्लिक करना है, 2024 को सिलेक्ट कर लेना, मंथ पे क्लिक करना है, मई को सिलेक्ट कर लेना, कोर्स टाइप पे क्लिक करना है, CBES को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सिलेक्ट क्लास पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सभी क्लासेस शो होने लग पड़ेंगी जिन जिन क्लासेस का इवन सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो अभी अभी जिस क्लास का रिजल्ट आया वो है मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद सेलेक्ट सेमेस्टर पे आपने क्लिक करना है और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। फोर्थ सेमेस्टर का पहले ही आ गया था और अब सेकंड सेमेस्टर का भी आ गया, तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दो, उसके बाद रोल नंबर वर्क के सबमिट कर दो, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। ऑल दी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को, उम्मीद है कि आप सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया होगा और सभी स्टूडेंट्स पास होंगे। तो जैसे ही किसी और क्लास का या फिर किसी सेमेस्टर का रिजल्ट आता तो हम आपको बता देंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।